गया शोर देखो आया हम आखन चोर। अरे शोर मच गया शोर देखो आया हम आखन चोर। चोर चोर सब जगह से यही आवाज़ आ रही है, चोर चोर। कृष्ण भगवान को भी नहीं छोड़ा था हमने, माखन चोर। अब एक नए चोर आ गए हैं, चौकीदार चोर। दिखाता हूँ आगे, देखो अब बोल रहे हैं लोग चौकीदार चोर है, इस देश का प्रधानमंत्री चोर है। मैंने भी काफ़ी सर्वे किया जितना मेरे में दिमाग है, और मैंने पाया यस प्रधानमंत्री चोर है, इस देश का चौकीदार चोर है। लेकिन उसने चुराया क्या? उसने चुराया इस देश की जनता का दिल, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जितनी उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जितने उनके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं। और कहते हैं जब दुश्मन बहुत ज़्यादा हो जाए तो समझ लो कि आपने आधा गेम तो जीत लिया। ममता दीदी, आपने कलकत्ता में बोला कौरबो लड़बो जीतबो, ठीक से बोलो। आपको बोलते हुए ऐसा लग रहा था कौरबो, जैसे कौरव पांडव की लड़ाई हो रही हो महाभारत में, कौरबो लड़बो जीतबो। आपने तो पहले ही अपने आप को कौरव बना दिया। अच्छे काम किए तो आपको रैली की जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम ममता दीदी, अगर आपने अच्छा काम किया तो आप जीत जाओगे। लेकिन बात है कि मोदी को कैसे हराएं, सब मिलकर हराएंगे। मुझे ऐसा लगता है देश की जनता ने डिसाइड कर लिया है, अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको वोट मिलेगा, उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको वोट मिलेगा। किस बात का एक दूसरे को गाली देना यारो। मेरा एक डॉक्टर हूँ मैं, और आज मेरे क्लिनिक पर एक पेशेंट आया यूपी से, शाहजहानपुर किसी ने भेजा था, आते रहते हैं वहाँ से पेशेंट। तो मैंने उसका इनडायरेक्टली मैंने उससे पूछा, मुझे बोलता कि सर आप आइएगा, आपको मैं टेलर है वो, तो उसने मुझे बोला कि मैं आपको एक जैकेट सिल के दूंगा। मैंने कहा यार क्या हूँ, मैंने जानबूझ के बोला ऐसा, मैंने कहा क्या हूँ यार सड़कें ख़राब लाइट नहीं है। कहता सर क्या बात कर दी, सड़कें इतनी बढ़िया हो गई हैं, लाइट 24 घंटे आती है, आप आके तो देखो। मैंने कहा अच्छा काम हो रहा है? कहता हाँ योगी ने अच्छा काम करा है। देखो वो मुसलमान है लेकिन फिर भी वो तारीफ कर रहा था, वोट वो दे या ना दे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि और भी बड़े इशू होते हैं, वोट वो दे या ना दे। लेकिन जब मैं किसी से बात करता हूँ कि यूपी में दंगे नहीं हुए, वहाँ दंगे नहीं हुए, इंडिया में दंगे कम हुए, तो बोलते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है सर यूपी में, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। डर के तो रहना चाहिए यार, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आपको डर के रहना पड़ेगा, आपको लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान करना पड़ेगा और डर के रहना पड़ेगा। क्योंकि ये जो खुले सांड की तरह हम घूमते थे ना, एक दूसरे से टकराते थे, वो सब बंद होना चाहिए। क्योंकि देश की जनता को एक बच्चे की तरह रखना पड़ता है, उसको डराना भी पड़ता है, उसको प्यार भी करना पड़ता है, उसको वो हर काम करना पड़ता है जो जनता, जो हम बच्चे के साथ करते हैं। और शायद यही हुआ यूपी में, डर के तो रहना होगा, डरना ज़रूरी है। अगर आप डरते नहीं हो फिर आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, और करते नहीं हो, लोग कराते हैं, नेता कराते हैं, कराता कोई भी है, भुगते का कौन, हम लोग, जनता भुगतती है, काम धंधे चौपट हो जाते हैं। और कितना डर बैठ जाता है मन में जब दंगे होते हैं तो, क्योंकि मुझे याद है सहारनपुर में दंगे होते थे, मैं इसलिए छोड़ के दिल्ली आ गया उस वक्त, तब तो कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी शायद, पता नहीं मुझे याद भी नहीं, मैं छोटा था, किसकी सरकार थी। लेकिन हर सरकार में दंगे हुए हैं, तो दंगे किसी के लिए भी ठीक नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, और सबको डर के रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। ना आप गोरक्षा के नाम पर हत्या कर सकते हैं, और ना मुसलमान इसलिए कि वो मेजॉरिटी में है तो वो दंगा करेंगे, कोई भी दंगा नहीं चाहता, ना कोई दंगा करना चाहिए, डर के रहना ज़रूरी है इस देश में। और एक हिटलर, हिटलर तो नहीं बोलूँगा, एक ऐसा डर पैदा करना जरूरी है जहाँ पे लोगों को लगे हाँ कि डरना भी जरूरी है, ये आपके फायदे में है दोस्तों। और चलो दोस्तों ख़त्म करता हूँ इस चर्चा को, लेकिन उसको वोट मत देना दोस्तों जिसने इस देश की सेना का अपमान किया हो, उसकी इज्जत ना की हो, उसके ऊपर शक किया हो, उसके ऊपर जो पत्थर बरसाते हैं उसके ऊपर फूल बरसाते हैं जो नेता, उनको वोट मत देना दोस्तों, क्योंकि वो किसी के भी सगे नहीं है। जो अपने देश का सगा नहीं वो किसी का भी सगा नहीं, जो देश की सेना का सगा नहीं वो किसी का भी सगा नहीं। इनको तो पाकिस्तान भी भेज दोगे ना, वो भी वापस भेज देंगे, भाई तू तो अपने वतन का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, थोड़ा सा तो दीन ईमान उनका भी है भाई, सारे चोर यहीं बसते हैं। इस देश की सेना है तो ये कंट्री है, ये देश है, और
कंट्री है तो हम हैं, और हम सब एक साथ हैं तो ये कंट्री है। क्या बोलो दोस्तों, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इन नेताओं से कि अगर आप इस कंट्री को जोड़ नहीं सकते तो प्लीज़ तोड़े भी मत। देश की सेना का अपमान मत करें, इसके ऊपर शक मत करें, क्योंकि ये अपने घर से दूर इतनी ठंड में गर्मी में आपके लिए हैं, वहाँ पर किसी और के लिए नहीं है, इस देश के लिए है, ताकि आप सुरक्षित रहें। 5 स्टार घरों में बैठकर आग सेकते हुए और बाहर सुरक्षा गार्ड आपके खड़े हैं 10-10, 15-15, सेना को गाली देना बहुत आसान है दोस्तों। एक बार गार्ड हटा लो अपने, फिर गाली दे के देखो इस देश के सेना को, इस देश की जनता ही आपको सिखा देगी दोस्तों। देश की सेना को जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सिखाने की, इसकी देश की जनता आपको सबक सिखा देगी। बाहर निकल के गाली दो ना, आपको आज़ादी चाहिए इस कंट्री से। भारत के टुकड़े होंगे 1000, हमको चाहिए आज़ादी। आ जाओ, आपको आज़ादी देते हैं हमेशा के लिए, आओ तो। देश में लोकतंत्र है दोस्तों, उसका फ़ायदा मत उठाओ। उसका मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी बोलोगे और हम लोग सुन लेंगे, इस देश से आगे कुछ भी नहीं है। चलो दोस्तों, एक गीत गाता हूँ, 26 जनवरी पास में है, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छोटा सा इंसान हूँ दोस्तों, ज़्यादा मुझे आता नहीं है, सीधे सीधे बात करता हूँ, लपेट के मुझे नहीं आता कुछ भी बोलना। एक गीत इस देश की सेना के नाम और मेरे देशवासियों के नाम, साथ में मिलके रहो यार, छोटी सी जिंदगी है, साथ में रहोगे ना, मुट्ठी बंद हो तो बहुत स्ट्रांग होती है, खुल जाए तो गए। ताकत भी हमसे है, इज्जत भी हमसे है, ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इस देश के हम रखवाले, ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इस देश के हम रखवाले। ये दोस्तों, ताकत भी आप हो, इज्जत भी आप हो, सब कुछ आपसे है, मिलकर रहोगे तो सब कुछ होगा, नहीं तो रब रखा। और दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। खाली गाना गाने से देशभक्ति नहीं आती दोस्तों, लेकिन अगर मैं 5 मिनट के लिए भी आपके अंदर एक कुछ जज्बात कायम कर सकता हूँ इस देश के लिए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 125 करोड़ में से अगर मैं 0.0001% भी शख्स बन जाऊँ कुछ करने लायक इस देश के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। चलो दोस्तों, फिर मिलता हूँ, और उम्मीद करता हूँ हम सब एक साथ रहेंगे। वोट किसी को भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, लेकिन उसको नहीं देना जो इस देश को तोड़ने की बात करता हो। बाय दोस्तों, बाय।